मैं अर्जुन शर्मा, कन्वेनर ऑल जे एंड के यूथ फेडरेशन, आज पाक ईद अल अधा के मौके पर अपने तमाम रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम और नौजवान को मुबारकबाद देना चाहूँगा और उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस तरह का माहौल भाईचारा हम कायम रखते आए हैं उसे आगे भी कायम रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। मैं ऑल जम्मू एंड कश्मीर यूथ फेडरेशन की तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि ये मुबारक दिन हमारे लिए अमन और खुशी का पैगाम लेके आए और भाईचारे की एक नई मिसाल कायम करे। और जैसा कि हम जानते हैं ये ईद उल अज़हा है और ये ईद सिग्निफाई करती है सेक्रीफाइस को, और हम ये भी जानते हैं कि अभी केरला में एक नेचुरल डिज़ास्टर आया है जिसकी वजह से लोगों ने बहुत सफ़र किया है, माली और जानी दोनों नुकसान हुए हैं, और हमसे बेहतर कौन जानेगा क्योंकि हम लोग 2014 में ऑलरेडी ये सफ़र कर चुके हैं। तो अब हमारा इंसानियत के नाते एक फ़र्ज़ बनता है कि हम जितना हो सके, हम सबसे जितना हो सके हम उतना कंट्रीब्यूट करें और जो भी एनजीओस कलेक्ट कर रहे हैं फंड्स केरला के लिए हम उन्हें दें ताकि उन लोगों की हम थोड़ी सी मदद कर पाएँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शानवाज खाकी, एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ ऑल जम्मू एंड कश्मीर यूथ फेडरेशन। मैं फेडरेशन की जानिब से आज ईद उल अज़हा के खूबसूरत मौका पर मैं रियासत के नौजवानों, बुज़ुर्गों, बच्चों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम दुआगो हैं कि ये ईद रियासत के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर अमन, भाईचारे, मोहब्बत, चैन, सुकून की जिंदगियों का बाइस बने। खुदा हाफिज। नमस्कार, मैं नकुल शर्मा, स्पोक्स पर्सन ऑल जे एंड के यूथ फेडरेशन। ऑल जे एंड के यूथ फेडरेशन की तरफ से इस ईद के मौके पे मैं शुभकामनाएं देता हूं अपने भाइयों को, नौजवान को और तमाम आवाम को। हम गुजारिश करते हैं कि ये आज ईद का मौका है, ये हमारे लिए शांति और खुशहाली का एक समय लाए और हमारे यहाँ पे जो भाई जो आपस में बंट रहे हैं उन सबको एकजुट करें। जय हिंद, जय भारत।